मैं आशीष गुप्ता, टाइल टेलर, नई दिल्ली से। पहले मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको टाइल्स के बेनिफिट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टाइल के यूजेस, टाइप ऑफ टाइल, टाइल जिस तरह के बारे में बताया है। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको टाइल्स के टूल्स के बारे में जानकारी देता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स आए, ये देखिए, ये टाइल्स ग्रिप करने की टूल्स हैं, टाइल्स को ज्वाइंट करने के। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा। ये टाइल लिफ्टर टूल है, इससे आप टाइल लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। ये देखिए, अभी सब इन टूल्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। एक ये देखिए, अभी एक एक अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, ये डायरेक्टर है हमारे, इन्होंने कंपनी खोली M2M, इनकी कंपनी है ये, इन्होंने टूल्स बनाए टाइल्स के लिए, बड़ा बेहतरीन काम किया इन्होंने टाइल इंडस्ट्री के लिए। मशीन दिखा रहे हैं टाइल कटिंग की, नो डस्ट, नो वाटर, नो साउंड, नो चिपिंग, नो इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिर्फ निशान लगाया, हल्का सा पेंसिल दिया, टाइल कट गई, बिल्कुल जॉइंट फिट टाइल आ गई हमारे पास। ये देखिए, जीरो चिपिंग, ये ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डस्ट फ्री प्रोडक्ट हो गया, कारीगर के हेल्थ के लिए, घर वालों के हेल्थ के लिए बेस्ट है। हमारे हिंदुस्तान का पानी बचेगा, बिजली बचेगी। ये प्रोडक्ट देखिए, बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें कई वेरिएशन आए हैं प्रोडक्ट में, ये सारी इसी टाइप की मशीन है, ये सारी इसी टाइप की मशीन है। टाइल लिफ्टर मशीन बोलेंगे, टाइल लिफ्टर टूल बोलेंगे, टाइल लिफ्टर किट बोलेंगे इसको, बिल्कुल इजी है, 180 किलो तक का वजन उठा सकती है मशीन, ये देखिए, बिल्कुल इजीली। अब आने वाले टाइम बड़े साइज की टाइल के आ रहे हैं, 6x4, 8x4, 6x5, छोटी टाइल का ट्रेंड धीरे धीरे आउटडेटेड होता जाएगा, तो बड़ी टाइल को उठा के रखने में, एडिसिव को चिपकाने में मेहनत लगेगी, चार बंदे चाहिए टाइल को उठा के रखने के लिए। अब ये अकेले ही मशीन करते, दो बंदे इजीली मशीन को उठा के टाइल को उठा के रख सकते हैं इसमें। ये देखो फ्रेंड्स, एक ये नया प्रोडक्ट है, ये टाइल वाइब्रेटर, जब हम टाइल को लगाते हैं, एडहेसिव से लगा दिया हमने, टाइल को चिपका दिया, उसके बाद हम इसको ठक ठक करते हैं, जो कारीगर होते हैं हथौड़े से, प्लास्टिक हथौड़े से या नॉर्मल हाथ से ठक ठक करते हैं, ताकि अंदर का जो मेटेरियल हो फैल जाए सब जगह। अब उसकी जगह लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गया वाइब्रेटर, इसको इस तरह से बिल्कुल ईजिली मूव करेंगे तो टाइल जो एडहेसिव वो हर जगह फैल जाएगा, टाइल में कहीं बुलबुले नहीं आएंगे, कहीं टाइल निकलने का काम नहीं होगा, बिल्कुल बॉन्डिंग अच्छे से चिपक जाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये। देखो अब जो मशीन मैंने आपको पहले दिखाई थी उसको दिखा रहा हूँ, ये टाइल जोड़ने के काम आती है, टाइल की ग्रिपिंग जॉइंट कम करने में। अब ये देखो, जैसे जॉइंट आया हुआ है टाइल में, अब हमने इसको गैप मशीन से जोड़ दिया, अब ये देखिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये चिपक गए टाइल आपस में, ये देखिए। अब इसको खोला, बिल्कुल ऑन किया, एक गैप आ गया, ये देखो, ये देखो खुल गया। अब दोबारा दिखा रहा हूँ आपको बंद करके इसका गैप, ये देखिए, ये जो गैप आ गया, अब इसको बंद करना है, ये देखो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजीली। ये देखो फ्रेंड, एक मशीन और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैनुअल हैंड कटिंग मशीन है, ये आप 45 डिग्री के एंगल तक काट सकते हो, देखो इस तरह से टिल्ट हो जाती है, बिल्कुल इजीली टिल्ट करेंगे ना, 45 डिग्री के एंगल तक काट सकते हो आप इसकी मदद से। इसमें आप इंप्रूविंग भी कर सकते हैं, अपनी ट्रॉवल भी बना दिए, ट्रॉवल भी आते हैं अडेप्टिव का, आगे जो उसको फिलाने के लिए यूज करते हैं, अपनी ट्रॉवल भी बनाते हैं। ये देखो होल मार्कर टूल टाइल टाइल के लिए, इस तरीके से यूज करके दिखा रहे हैं, इनका होल मार्कर टूल टाइल कटिंग के लिए यूज करते हैं। ये देखो फ्रेंड, ये टाइल लिफ्टर है, अपने आप में एक नए किस्म का टाइल लिफ्टर है, जब बाथरूम में, किचन में वॉल्स पे टाइल लगाते हैं, नीचे हमने टाइल लिफ्ट करके दिखा रखा है, देखो ये
गैप रेगुलेटर फॉर टाइल्स। आपको ये सारे टाइल्स के टूल्स के बारे में बताया है। आने वाली वीडियोस में आपको और जानकारी दूंगा टाइल्स के लेकर। कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।